एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू सोल के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एडमिशन प्रोसेस है और इस बार 2020 के जो सोल के एडमिशन है वो कब होने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो गाइस, डीयू सोल यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इसमें क्या होता है और ये रेगुलर से कैसे अलग है। तो गाइस, रेगुलर में आपकी जो है रेगुलर क्लासेस लगती है मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, डिपेंड ऑन कोर्स एंड योर कॉलेज। बट जो सोल होता है उसमें आपकी क्लासेस जो है वो वीकेंड में लगती है, यानी सैटरडेज एंड संडेज को क्लासेस लगती हैं आपकी। और जो आपके टीचर्स होते हैं वो रेगुलर वाले ही टीचर्स होते हैं एंड आपकी क्लासेस भी वही लेते हैं। गाइस, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के 4 ऑप्शंस हैं या 4 टाइप्स हैं जिससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। पहला, मेरिट बेस पर, जो आपके 12th पे मार्क्स आते हैं उस बेस पर। सेकेंड, एडमिशन यानी DU JET का आप एंट्रेंस दे के ले सकते हैं। थर्ड जो है जिससे आप आ सकते हैं वो है स्पोर्ट्स कोटा। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, नेशनल लेवल स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, आप वो लगा कर भी एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है DU SOL यानी आप ओपन से फॉर्म भरकर वेरियस कोर्सेज कर सकते हैं। वो कौन कौन से कोर्सेज है चलिए वो समझते हैं। तो गाइज, अगर UG की बात करूँ यानी अंडर ग्रेजुएशन की बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएशन में जो कोर्सेज हैं जिससे आप सोल से कर सकते हो वो है, पहला BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स एंड BA प्रोग्राम। तो यही कुछ 5 प्रोग्राम कोर्सेज हैं जिसे आप UG में कर सकते हैं। उसके बाद अगर PG की बात करें, PG से आप सोल से कर सकते हैं MA हिस्ट्री, ओके, उसके बाद MA पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद MA संस्कृत एंड MCom। तो ये 4 कोर्सेज हैं जो आप सोल से कर सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप जनरल और OBC हैं तब आपको जो BA इंग्लिश, सबसे पहले बात करते हैं हम UG के कोर्स यानी BA इंग्लिश यानी इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो इंग्लिश ऑनर्स में आपको 65% चाहिए, वो आपकी एलिजिबिलिटी है। मतलब 12th में आपके 65% होना चाहिए तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर BA पॉलिटिकल साइंस की बात करूं और BA प्रोग्राम की बात करूं तो दोनों का कंबाइंड आपके 50% होनी चाहिए क्लास 12th में तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं BCom ऑनर्स में आपके 55% होने चाहिए। उसके बाद BCom प्रोग्राम में आपके 40% होने चाहिए DU SOL से करने के लिए। सो गाइज, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बस आप क्लास 12th में पासिंग मार्क्स होने चाहिए यानी 33% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। बट जनरल OBC के लिए जो मैंने आपको बताया वो वाला फॉलो होगा। सो गाइज, अगर एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं एंड आप अगर BCom करना चाहते हैं, जैसे BCom कॉमर्स का कोर्स हो गया, साइंस का कोर्स है, जैसे आप PCM ली थी अपने 11th 12th में, अब आप BCom ऑनर्स या BCom प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपकी क्लास 12th में मिनिमम 60% होनी चाहिए तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। ओके गाइज, अब बात कर ले हैं डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको सिंपल डॉक्यूमेंट चाहिए जो हर जगह आपको चाहिए होते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल से मिलता है, फोटोज़ एंड सिग्नेचर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें हम इसका एडमिशन प्रोसेस, तो गाइज इसका जो एडमिशन प्रोसेस 2020 का है वो जब रेगुलर का एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाता है उसके बाद ही सोल का एडमिशन प्रोसेस ओपन होता है। तो अभी रेगुलर में तो सितंबर तक शायद कट ऑफ आए, तो उसके बाद ही आपका अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इसके लिए मैं आप वीडियो बना दूंगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। सो गाइज, उसके बाद हम फीस की बात करें तो फीस बहुत कम है, डिफरेंट कोर्स की डिफरेंट फीस है, बट मैं आपको एक एवरेज फीस बता देता हूँ। गाइस, आपकी फर्स्ट ईयर की फीस 4000 से 5000 के बीच होगी, ओके, ये फर्स्ट ईयर की है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ, सो गाइस, आप इसके एडवांटेजेस यही है कि आप इसमें साथ साथ जॉब कर सकते हैं, यानी आप मंडे टू फ्राइडे जॉब कर सकते हैं एंड आप सैटरडे और संडे को आराम से क्लासेस ले सकते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि आप एक कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते जैसा कि रेगुलर स्टूडेंट एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट्स के क्या फेस्ट होते हैं, वेरियस जो
सोसाइटीज़ होती हैं, म्यूज़िक सोसाइटीज होती हैं, बट आपको कोई भी सोसाइटी नहीं मिलती, आपके कोई भी फेस्ट नहीं होते हैं, बट आप फेस्ट में जा सकते हैं अगर आपका मन है तो। आपका फेस्ट में रेगुलर के स्टूडेंट के भी फेस्ट में जा सकते हैं। सो गाइज, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। उसके बाद बात करें हम इसके डिपार्टमेंट की, जो इसका कैंपस है वो कहाँ होता है। आपकी क्लासेस वेरियस अलग अलग कॉलेज में लग सकती हैं, बट जो इसका डिपार्टमेंट है वो नॉर्थ कैंपस में भी है एंड साउथ कैंपस में भी है। जब आपका एडमिशन होगा, इस बार जो आपका एडमिशन होगा वो एडमिशन पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। आपके जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आप कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट, आपका एडमिशन हो जाएगा। देन आपको पूरी डिटेल, वेरिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन, सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन ही सबमिट करानी है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने इस वीडियो में डी यू सोल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है डी यू सोल से रिलेटेड या डी यू में एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।